नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जैन। खबरों के सफर में हम वो अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका वास्ता सीधा आपसे है, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है, जो सत्ता के गलियारों से लेकर जनता जनार्दन के दहलीज पर अपना सर छोड़ती है। लेकिन उससे पहले हम दो बड़ी खबरें से शुरुआत करते हैं, ऐसी खबरों के साथ जो हिंदुस्तान को चौंकाने वाली है, आप हिंदुस्तान को झकझोरने वाली है, हमें सोचने पर भी मजबूर कर देने वाली है। विराट 24 न्यूज की पहली बड़ी खबर, जिंदगी का मुंह मोड़ने किसी को कुछ पता नहीं चलता, यहाँ तक कि खुद मरने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता है कि उसका अगला कदम मौत की ओर बढ़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के गोपालगंज में, जहाँ अपने घर के पास टहल रहे शख्स को गिरते ही मौत हो गई। चंद सेकंड में स्वस्थ व्यक्ति के औंधे मुंह गिरने और मर जाने की चर्चा नगर थाना क्षेत्र में जंगलिया मोहल्ले में खूब हो रही है। अनहोनी को पूरा वाकया सीसीटीवी में भी कैद हो गया। गोपालगंज के जंगलिया मोहल्ले वार्ड नंबर 15 में टहल रहे मोहम्मद अलाउद्दीन की मौत दिल का दौरा पड़ जाने से हुई। अलाउद्दीन 20 साल में दुबई में रहते थे। 28 अक्टूबर को ही उनके बेटे की शादी थी। बड़े धूमधाम से बेटे की शादी कराई, घर में खुशी का माहौल था, सब कुछ नॉर्मल था। अलाउद्दीन भी एक थैले में कुछ घर का सामान लेकर घर की ओर लौट रहे थे, तभी उसे देखकर लौटने लगे। इसी दौरान उनको हार्ट अटैक आया और वो गिर पड़े, वहीं उनकी मौत भी हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि सफेद लुंगी और सफेद शर्ट पहने हाथ में थैला लिए एक शख्स कार के पीछे से जा रहा है, तभी आगे से उसका परिवार का सदस्य आगे बढ़कर उससे थैला ले लेता है। शख्स थैला लेकर पीछे मुड़ता है, जिससे रफ्तार से वो आया होता है। थैले देने के बाद थोड़ा असहज महसूस करता है, फिर कार के पीछे कुछ सेकंड रुकता है, लेकिन फिर चलने लगता है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। सामने से आ रही बाइक वाला चिल्लाता है तो सभी लोग दौड़कर उनके पास आते हैं। ये पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बता दें कि मोहम्मद अलाउद्दीन 20 साल से दुबई में रहते थे, वो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो चुके थे, घर पर बेटे की शादी के लिए इंडिया आए हुए थे। 8 दिन पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी, घर में खूब चहल पहल था, घर में नई बहू आई हुई थी, लेकिन इस हादसे के बाद घर का माहौल गमगीन हो गया। दूसरी बड़ी खबर, औरैया में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी कर रखा है। औरैया में 50 शैया अस्पताल में डेंगू के मरीजों को लेकर इंतजाम हवा हवाई देखा जा रहा है, जहां अस्पतालों में खान पूर्ति की गई है और ना ही अलग वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ का कहना है कि जल्द ही डेंगू के मरीजों के वार्ड भी बनाए जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू के मरीजों को लेकर साफ आदेश दिए हैं कि उनकी देखरेख में सभी इंतजाम किए जाए। यहाँ तक कि कोरोना की जांच की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, बिना मास्क लगाकर खुले में जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू को लेकर सभी जिलों में अलर्ट होने का निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को जमीन स्तर पर भी उतरने का कहा गया है। औरैया जिले में अगर बात की जाए तो यहाँ डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। यहाँ पर जनरल वार्ड तो बना है, साफ सफाई भी है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर कहीं भी डेंगू का वार्ड नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि मरीजों को इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इस मामले को लेकर अब इमरजेंसी डॉक्टर बात की और डेंगू को इंतजाम को लेकर सवाल पूछो तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया कि वार्ड जल्द ही बन जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू के मरीजों की उचित जांच की जा रही है, समय पर इलाज किया जा रहा है। यहां तक कि गांव में फैली बीमारियों की सूचना मिलने पर टीमों की गठित की गई है और इनका इलाज भी मौके पर जाकर किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेंगू के मरीजों को साफ आदेश दिए हैं कि उनके देखरेख और सभी इंतजाम किए जाएं। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।